नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो यूट्यूब चैनल नी अंदर। धोरण आठ नी अंदर हिंदी विषय में पहलो काव्य छे तेरी है जमीन। तो आवी रीतना घरे शीख्याना आठमा धोरणना घणा बधा घरे शीख्याना विडियोस मुकाता रहेशे। चेनल में न जोयेला विडियोस पण जोई लेजो, बीजा घणा बधा विषय प्रमाणेना पण छे। चेनल ने सब्सक्राइब न करी तो चेनल ने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो। हवे तेरी है जमीन नी अंदर आपणे जोईए तो नीचे दी गई प्रार्थना को अपने भाई बहन या माँ पिताजी के साथ घर में ही प्रार्थना के समय गाए, जैसे कि हम गा सकते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति देना। तो सरस मजानू आ काव्य छे, तमारे पण गावानू छे। त्यार पछी बीजो प्रश्न आवे छे, अब उनके साथ मिलकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कि ए वाला है, मन पे विजय पाना, इसका प्रार्थना में क्या तात्पर्य है? तो उसका उत्तर हम लिख सकते हैं, ठीक है। मन पे विजय पाना, इस प्रार्थना का तात्पर्य यह है कि मन को जीत लेना, भेदभाव को अपने दिल से निकाल देना, दूसरे से कोई भूल हो तो उसे माफ करना, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच का साथ देना, धर्म का साथ देना, उसके बाद बी वाला प्रश्न है, प्रार्थना की वो पंक्ति नीचे लिखो जिसमें यह बताया गया है कि किसी को क्षमा करना मनुष्य का एक सुगुण है। तो वो पंक्ति हम लिखते हैं, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरे से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। उसके बाद सी वाला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के कम से कम एक समानार्थी शब्द लिखना है, जैसे कि शक्ति,
को कहते हैं ताकत, मुश्किल को कहते हैं आफत, विजय को कहते हैं जीत। उसके बाद वीडियो फिल्म का समय। हम इस साल हिंदी की शुरुआत एक वीडियो द्वारा करते हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। नीचे दिए गए लिंक को कॉपी करके आप माँ पिताजी के साथ हैंडसेट पे कॉपी कर लिए और फिर वीडियो देखना है, खूब ध्यान से देखना है और सुनना है। अब बताओ वीडियो में आपने क्या देखा ये लिंक में। तो हिंद देश एक, हम सब एक, फिर भी भाषा अनेक, सूरज एक, चंदा भी एक, परंतु तारे अनेक। फिर देखा न कि गिलहरिया, चिड़िया, तितली सब एक एक से अनेक हो जाती है, मतलब कि एक है और फिर बहुत ढेर सी हो जाती है। तो अब समझ आया ना तुम्हें एक और अनेक का अर्थ, एक मतलब गिनती में एक और अनेक मतलब गिनती में एक से ज्यादा अर्थात बहुत। तो पहला वाला है 1.1 स्वयं करें। चलो यदि तुम्हें ये समझ आ गया तो अब हम कुछ प्रवृत्ति करते हैं। एक गेंद, अनेक गेंदे, एक बहन तो अनेक बहने, ऐसा होगा बरोबर। एक छतरी तो अनेक छतरिया, एक रोटी तो अनेक रोटियां। अब तुम्हें जांच करनी होगी कि तुम्हारे उत्तर सही है या कुछ गड़बड़ है। ये जांचने के लिए हमें एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के नियम की जानकारी होनी चाहिए ना। तो आओ सीखे वचन बदलने के नियम। दूसरा वाला है वचन परिवर्तन तथा वचन परिवर्तन के नियम। वचन के भेद, वचन का अर्थ संख्या से है। इस आधार पर वचन के दो भेद होते हैं, एक है एकवचन और दूसरा है बहुवचन। एकवचन यह है कि शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वास्तु का बोध होता है वह एकवचन कहलाता है, जैसे कि गिलहरी, पुस्तक, चिड़िया आदि। और बहुवचन यह है कि शब्द के जिस रूप से एक से ज्यादा अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है, जैसे कि गिलहरिया, पुस्तक, चिड़िया आदि। तो वचन की पहचान कैसे होती है? वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा और दूसरा क्रिया के रूप के द्वारा। अभी हम पहली वाली पहचान भेद के नियम सीखेंगे, संज्ञा सर्वनाम और शब्दों के द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक अथवा अनेक का बोध करते हैं, जैसे कि उन्होंने मैच जीत लिया, उन्होंने, तो ये क्या दिखलाता है? बहुवचन दिखलाता है ना, उन्होंने मैच जीत लिया तो ये बहुवचन कहलाता है। प्रणव खेल रहा है तो ये एक वचन है, एक ही व्यक्ति है, उन्होंने वहाँ ज्यादा लोग है तो बहुवचन हो गया। हमने कोविड का टीका लगवा लिया, हमने मतलब कई सारे लोग है तो बहुवचन होगा। ऐसे ही वचन परिवर्तन के ऐसे कई सारे नियम है, वो भी देख लेते हैं। 2.1 स्वयं प्रयत्न करें, सही विकल्प चुने। अ के स्थान पर ए लगाकर, बराबर, तो अ के स्थान पर ए लगाते देखते हैं, जैसे कि आंख से होता है आंखें, ठीक है, बहन से होता है बहने, पुस्तक से होता है पुस्तके, ठीक है, ए शब्द लगाया। दूसरा है आ के स्थान पर ए लगाकर देखते हैं, पैसा का होता है पैसे, कुर्ता का होता है कुर्ते, ठेला का होता है ठेले। वैसे ही तीसरा वाला है आ के स्थान पर ए लगाकर स्त्रीलिंग शब्द में, कन्या का होता है कन्याए, कथा का होता है कथाए, कविता का होता है कविताए। उसके बाद आता है चौथा वाला ई के स्थान पर ईया लगा के, रोटी का होता है रोटिया, तिथि का होता है तिथिया, नीति का होता है नीतिया। उसके बाद या के स्थान पे या करके देखते हैं, चिड़िया का होता है चिड़िया, कुतिया का होता है कुतिया, लुटिया का होता है लुटिया। उसके बाद ऊ के स्थान पर एन लगाकर बना सकते हैं, वस्तु का होता है वस्तुए, बहु का होता है बहुए, बाजू का होता है बाजुए। चलो अभी प्रश्न के आंसर कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। पहला वाला है वचन भेद है,
किसका वचन भेदे? तो के संज्ञा के वचन भेदे, तो ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा है, इसमें सदैव एक वचन शब्द का प्रयोग होता है। किसमें सदैव एक वचन का प्रयोग होता है? तो उसमें आएगा वर्षा, सी ऑप्शन। तीसरा वाला है, सदा बहुवचन के प्रयोग किए जाने वाला शब्द, बहुवचन में सदा प्रयोग किए जाने वाला शब्द है हस्ताक्षर। ज्यादा हो तो भी हस्ताक्षर, कम हो तो भी हस्ताक्षर ही बोलते हैं, तो वो बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। चौथा वाला है, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करना है, जैसे कि बच्चा भागता हुआ आया, तो उसका वचन परिवर्तन क्या होगा? बच्चे भागते हुए आए, ऐसे ही दूसरा वाला, बच्चियों ने पुस्तकें पढ़ी, तो बच्ची ने पुस्तक पढ़ी, एक क्वेश्चन हो गया। बच्चा भागता हुआ वो एक वचन था, बच्चे भागते हुए आए वो बहुवचन हो गया, और बच्चियों ने पुस्तक पढ़ी वो बहुवचन है, उसमें से एक वचन हुआ बच्ची ने पुस्तक पढ़ी। तो अगले महीने जब स्कूल जाना हो तब उपरोक्त कार्य किया हुआ ये घरे सीखिए मॉड्यूल से, अपने शिक्षक को अवश्य दिखाइए किस प्रकार से ये सब क्वेश्चन के आंसर आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन के किस प्रकार से उत्तर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नए नए ऐसे कई सारे चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे, तो तब तक के लिए ना देखे हुए वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर से नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।